ऑफकोर्स दोनों स्टार प्लेयर्स हमारे साथ में यहाँ मौजूद है। दिल्ली मुंबई के बीच में भिड़ंत है। आशु पहली बात बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, आप बैक टू बैक सुपर टेंस लगा रहे हैं। एक ही चीज है, जो पहले हाफ में आपका परफॉर्मेंस है उसे कंपेयर करें सेकेंड हाफ के, तो थोड़ा सा अलग नजर आता है, क्या ये कॉन्शियसली किया जा रहा है? सर देखो, ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, कोच साहब जो बोलते हैं वही करना पड़ता है। वो बोलते हैं डिसाइड करनी है तो डिसाइड करनी है, अगर बोले कि शेप है तो शेप है। देखा, मैं भी आपकी बात मानता हूँ हमेशा, कोच साहब की बात माननी चाहिए। मतलब ऑन मैट रहने की एक कोशिश आशु आपकी रहती है जानबूझ के सेकंड हाफ में? जी सर। तो आशु मतलब ना सिर्फ रेडर बट बतौर कप्तान भी उभरे हैं। महेंद्र देखिए, मैंने तो टाइगर श्रॉफ के खिलाफ डिफेंस अभी ठीक ठाक किया, हालांकि उन्होंने मुझ पर जंप लगा दिया, लेकिन जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ यू मुंबा के डिफेंस को क्या हुआ था? सिर्फ 3 टैकल पॉइंट। बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हमसे, कुछ कुछ टैकल हुए भी थे, बट उसमें क्या बोलते स्पोर्टिंग की भी थोड़ी नहीं हुई टाइम से। जैसे बिट्टू ने अच्छे टैकल किए थे बट स्पोर्ट ना होने के कारण वो हो गया, बट अभी नेक्स्ट हम उसकी प्रिपरेशन करके आएंगे और आज दिखाएंगे डिफेंस का। आज ही ना, मतलब अभी अभी आज और अभी, पर अभी के अभी हमारे बीच में प्रो कबड्डी के ब्रांड एम्बेसडर, द अमेजिंग एक्शन स्टार ऑफ बॉलीवुड जुड़ने वाले हैं। गिव इट अप फॉर टाइगर श्रॉफ वंस अगेन। टाइगर मीट आशु एंड महेंद्र, एक टॉप क्लास रेडर, एक टॉप क्लास डिफेंडर, एंड टाइगर की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। टाइगर, आप जानते हैं कि हमारे प्लेयर्स कमाल का खेल खेलते हैं, पर साथ में आपके डायलॉग्स भी जानते हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप अपना एक डायलॉग सुनाएं जो एक आशु बोले और एक महेंद्र बोले। आपकी तरफ से एक डायलॉग आशु मलिक के लिए। आशु रेडी है ना? हाँ सर, घबराना नहीं है। चलो कोशिश करते हैं। मेरे डायलॉग्स बड़े सिंपल होते हैं भाई, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो एक डायलॉग है हीरोपंती में, सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। आशु ये बोल के सबको आती नहीं अपनी जाती नहीं। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। स्माइल इन द एंड टाइगर, टफ कंपटीशन ओवर हियर। महेंद्र के लिए क्या डायलॉग है आपके पास? ऑडियंस कुछ चाह रहे हैं, नॉट दैट लाइन, बट एक लाइन आज के मैच के लिए काफी फिट होगा, और वो है जो ये आप इनको बोलोगे, जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। महेंद्र कम ऑन, जो ये तेरा टॉर्चर है ये मेरा वार्म अप है। अब एक बार मंत्रा दो, एक फाइनल वन दोनों के लिए, एक फाइनल वन दोनों के लिए। ओके, ये आप बोल सकते हो। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में एक कबड्डी प्लेयर का किरदार निभा रहा था, तो आई विल गिव यू अ डायलॉग फ्रॉम देयर। दिन तेरा था, क्या था दिन तेरा था, साल और ट्रॉफी। दिन तेरा था, साल और ट्रॉफी मेरी होगी, दोनों साथ में। मैं तीन गिनूंगा, 1 2 3। दिन तेरा था, साल और ट्रॉफी हमारी होगी। ओ दिल्ली डाल दिया, दिल्ली डाल दिया। मुंबई में खड़े होकर महेंद्र लाइन भूल गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एंड चूंकि अब यहाँ पर भाई टाइगर ने डायलॉग सिखा दिए, तो एक सुपर टैकल हम भी सिखा दें इन्हें। और ईशांक, आप कहाँ वहाँ कोने में खड़े हुए हैं, आप भी मदद करने के लिए हमारे यहाँ पर आए। 3 सुपर प्लेयर्स हैं, आशु है, महेंद्र है और ईशांक है। सुपर टैकल होगा, 3 डिफेंडर, टाइगर श्रॉफ द रेडर। टेक योर पोजीशन जेंटलमैन, अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाइए। महेंद्र, आशु, ईशांक आइए, अपने माइक्रोफोन्स मुझे दे दीजिए। ओके, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। ये रखिए, हियर यू गो। ओके जेंटलमैन, टाइगर श्रॉफ कबड्डी कबड्डी बोलना मत भूलिएगा। एट द काउंट ऑफ 3 2 1 action. Kabaddi 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 left corner ki taraf Aashu Malik ke upar attack karte hue Mahendra. Mahendra aaye, kamal ka escape Tiger Shroff ka, speed ka buzz dikhate hue midline ki or, aur mere haath mein 4 mic hai.